24 को होगी कैबिनेट, 26 को होंगी विधायक दल की बैठकें, 27 से मानसून सत्र शुरू होने से पहले बड़ी हलचल, विधानसभा में रखे जाने वाले बिल आएंगे कैबिनेट में, मुख्यमंत्री सुक्खू जयराम ठाकुर लेंगे विधायक बैठकें, विपक्ष सरकार पर हमला करने सत्तापक्ष जवाब देने को बनाएंगे रणनीति, हर्षवर्धन चौहान बोले सरकार हर मसले पर बहस को तैयार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 24 अगस्त को हो सकती है। हालांकि शनिवार को यह बैठक करने के लिए अभी तक का सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से नोटिस नहीं जारी हुआ है, लेकिन मंत्रियों को मौखिक तौर पर सूचना दे दी गई है। 27 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र से पहले होने वाली ये बैठकें महत्वपूर्ण है। सत्र के दौरान विधानसभा में सरकार की ओर से रखे जाने वाले विधेयकों को कैबिनेट में पारित कर सकती है। सत्र से एक रोज पहले यानी 26 अगस्त को शिमला में कांग्रेस और भाजपा विधायक दलों की बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में होगी और 26 अगस्त को इसी बैठक में मानसून सत्र की रणनीति बनाई जाएगी। हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार किसी भी मसले पर विधानसभा के भीतर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार उम्मीद कर रही है कि मानसून सत्र का इस्तेमाल विपक्ष प्राकृतिक आपदा का नुकसान झेलने वाले लोगों की मदद के लिए करेगा। सत्ता पक्ष सत्र के दौरान किस अप्रोच से काम करेगा इस पर विधायक दल में ही तय होगा। दूसरी तरफ भाजपा विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में 26 अगस्त की शाम को शिमला में रखी जा रही है। इसमें विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगा। मानसून सत्र में इन मुद्दों पर हो सकता है हंगामा। प्राकृतिक आपदा के बाद पुनर्वास कार्यों में देरी से लेकर लोगों को दी गई सुविधा बंद करने और सरकारी स्कूलों को बंद करने जैसे मसले प्रमुख तौर पर उठेंगे। कर्मचारियों को डी और एरियर और उनके बकाया राशि को लेकर भी हंगामा हो सकता है। विधानसभा सत्र से ठीक पहले भाजपा विधायक हंसराज पर हुई FIR का मामला भी सदन में गूंज सकता है। बिजली और पानी के बिलों को लेकर राज्य सरकार के फैसलों पर भी विपक्ष मानसून सत्र के दौरान हंगामा करेगा।